नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए उत्कल होंडा में। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और आज इस शोरूम में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर खड़ा है 2023 मॉडल हॉर्नेट 2.0। और इस बाइक में दोस्तों कुछ न्यू अपडेट भी किए गए, तो आज के वीडियो में आप इस बाइक के कुछ न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही इस बाइक को लेकर चलने वाला हूँ मैं सिंगल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट पर। और वीडियो में आप देख पाओगे एक मेरा छोटा सा राइड रिव्यू भी, और बाइक का ऑन रोड प्राइस भी आप जान पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2023 मॉडल हॉर्नेट 2.0 में दोस्तों सबसे पहला न्यू अपडेट आप सभी देख पा रहे हैं कि बाइक के ग्राफिक पे किया गया, जिसमें सिल्वर एंड गोल्डन कलर में आपको हॉर्नेट 2.0 लिखा हुआ नज़र आएगा। और बाइक में दोस्तों दूसरा न्यू अपडेट आप सभी को पसंद आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बाइक में आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जिसके साथ अब आपको इस बाइक में असिस्ट स्लीपर क्लच भी मिल जाता है। और बाइक में तीसरा न्यू अपडेट आप सभी जान रहे हैं कि बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर E20 का स्टिकर आपको लगा नज़र आएगा। तो यही कुछ खास तीन न्यू अपडेट आपको इस बाइक में दोस्तों देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं इस बाइक को लेके सिटी माइलेज टेस्ट पर। तो फाइनली दोस्तों इस बाइक के फ्यूल टैंक में जितना ही पेट्रोल था लगता हो खत्म हो चुका है। और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें 2 बार सेल्फ ले रहा हूँ। एक बार और ट्राई करते हैं। तो आइए इसमें माइलेज टेस्ट के लिए पेट्रोल डालते हैं। आप सभी ने देखा दोस्तों, बाइक के फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हो चुका है। और आज हमारे सामने है 2023 मॉडल हॉर्नेट 2.0, यहाँ पर E20 का स्टिकर लगा है। और पेट्रोल डालने से पहले आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ बाइक स्टार्ट हो रहा है या नहीं। एक बार और ट्राई करते हैं। आप देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। और अभी इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 1, और इसके ट्रिप ए और बी दोनों को मैंने 0.0 पे कर दिया है। और हम लोग माइलेज टेस्ट करने वाले आज सिटी में इस बाइक का 0.5 लीटर में, और दूसरी बॉटल में करीब 1 लीटर से थोड़ा कम पेट्रोल है। इसे आप देख लीजिए, माइलेज टेस्ट के बाद मैं आपको ये बॉटल फिर से दिखाऊंगा। और आइए अब पेट्रोल डाल देते हैं माइलेज टेस्ट के लिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं सिंगल राइड में सिटी में। बाइक का स्पीड रखेंगे 50-55 किलोमीटर पर आवर, और देखेंगे हॉर्नेट 2.0 में हमें कितना माइलेज मिलता है। Remember when you said it doesn't get better than this, only a fool would have let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but so I just had to write this song. I don't wanna see you cry again. And no matter how the story ends, I'll always be there for you. 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but we'll be right back.
फाइनली दोस्तों हमने जो इसमें हाफ लीटर पेट्रोल डाला था लगता हो ख़त्म हो चुका है, और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, और इसमें हमें दोस्तों काफ़ी अच्छा माइलेज मिला है, बिल्कुल न्यू बाइक के हिसाब से भी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 22, जब हम निकले थे तब रीडिंग था 1, और इसके ट्रिप ए में रीडिंग है 21.7 और ट्रिप बी में रीडिंग है 21.7। और ये रहा दोस्तों वो 1 लीटर से थोड़ा कम पेट्रोल जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, और आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोल उतना ही है जितना पहले था। और अब मैं इस पेट्रोल को डाल देता हूँ रिटर्न जाने के लिए। तो आप सभी ने भी दोस्तों देख ही लिया बिल्कुल न्यू बाइक 2023 मॉडल हॉर्नेट 2.0 में आज हमें सिंगल राइड में सिटी के अंदर काफ़ी अच्छा माइलेज मिला है। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा कि आज मैंने इस बाइक को अपने सिटी के अंदर काफ़ी ट्रैफिक में भी राइड किया है। जहाँ ट्रैफिक नहीं था वहाँ पर इस बाइक का स्पीड 50-55 किलोमीटर पर आवर मैंने रखा था, और माइलेज टेस्ट खत्म होने से पहले कुछ किलोमीटर तक मैंने इस बाइक को करीब 65-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी राइड किया है। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा, और आपने देखा कि आज ये बाइक हाफ लीटर में 21.7 किलोमीटर चला सिंगल राइड में, मेरा वेट है 70 kg। तो अगर मैं इसे इंटू 2 करता हूँ तो आज हमें इस बाइक में बिल्कुल न्यू बाइक में 1 लीटर में माइलेज मिला है 43.4 km का, जो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू बाइक के हिसाब से बहुत ही अच्छा माइलेज है। मतलब कि आज मैं अगर इसके लास्ट वाले कुछ किलोमीटर को अगर मैं इको स्पीड में ही राइड करता तो बहुत ही आराम से आज ही मुझे इस बाइक में 45 km का माइलेज देखने को मिलता। तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस बाइक को लेना चाह रहे हैं और आपके सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो हो सकता है आपको इस बाइक में 40 km तक माइलेज जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर सिटी में ट्रैफिक कम रहता है और सिंगल राइड में आप राइड करते हैं इको स्पीड में तो इस बाइक में आपको आफ्टर सेकंड थर्ड सर्विस इस बाइक में 45+ का माइलेज देखने को भी मिल सकता है। और जैसा कि आपने देखा आज मैंने इस बाइक को आपके लिए सिटी में राइड किया है, तो आइए जल्दी से आपके साथ अपना एक छोटा सा राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो हमेशा की तरह दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की सीटिंग पोस्चर की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाइक को राइड करते समय आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छा सीटिंग पोस्चर मिल जाता है, जिस वजह से आप इस बाइक को लेकर लॉन्ग राइड पर भी जा सकते हैं। और सिटी में राइड करते समय मुझे इस बाइक का सीट काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं बाइक में आपको काफ़ी स्पोर्टी सा दिखने वाला 2-पीस में स्टेप अप सीट मिल जाता है, मगर मेरा मानना है कि जब आप इस बाइक को लेकर लॉन्ग राइड पे जाएंगे तब हो सकता है आपको इस बाइक का सीट थोड़ा सा स्टिफ हार्ड महसूस होगा। तो अच्छा होगा कि इस बाइक को लॉन्ग राइड पर लेके जाने से पहले आप बाइक में एक कोई अच्छा सा स्पंज वाला सीट कवर लगवा लें। और बात कर लेते हैं इस बाइक के सस्पेंशन और ब्रेक की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस बाइक के फ्रंट में आपको काफ़ी प्रीमियम सा गोल्डन कलर का USD फॉर्क मिलता है, और रियर में आपको मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिलता है। सिटी में जब सड़क अच्छी रहती है तो आपको राइड करते समय इसका फ्रंट और रियर का सस्पेंशन दोनों काफ़ी बेहतर महसूस होगा, मगर मैंने देखा कि जब आप इसे थोड़े ख़राब सड़क पर या कच्चे रास्तों पर चलाते हो तो फ्रंट का सस्पेंशन आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा, मगर रियर वाला जो मोनोशॉक ऑब्जर्वर है वो आपको थोड़ा सा स्टीफर साइड में रखा गया, थोड़ा सा हार्ड महसूस हो सकता है। और इसके ब्रेक में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको इसमें सिंगल चैनल ABS के साथ इसके फ्रंट में 276mm का पेट्रोल डिस्क और रियर में 220mm का पेट्रोल डिस्क मिलता है, जिससे बाइक में ब्रेक लगाते समय आपको इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बेहतर महसूस होगा। मगर मेरा मानना है कि जैसे कि इस बाइक का लुक को आप देखिए काफ़ी मस्कुलर सा है, और बाइक में आपको 184cc का इंजन मिल जाता है, तो उसके हिसाब से अगर इस बाइक में डुअल चैनल ABS दिया जाता तो काफ़ी बेहतर रहता। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। और बात करें दोस्तों इस बाइक के इंजन की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बाइक में आपको 184.4cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 17.6 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 15.9 Nm का टॉर्क मिलता है, जिससे बाइक में आपको बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप मिल पाता है। और बाइक के ट्रांसमिशन में आपको 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ असिस्ट स्लीपर क्लच भी मिल जाता है, और स्टार्टिंग में आपको इस बाइक में सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलता है। साथ ही बाइक में दोस्तों आपको 167mm का इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है, तो अगर आप इस बाइक को लेके कहीं टूर पर जाते हैं कच्चे रास्तों पे या ख़राब सड़क पे भी राइड करना पड़ जाए तो आप इस बाइक को बहुत ही आराम से राइड भी कर पाएंगे। और इस बाइक का सीट हाइट मेरा अंदाज़ा है कि 810mm के करीब होगा, मतलब कि अगर आपका हाइट 5'7" है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो आप इस बाइक को बहुत ही आराम से राइड भी कर पाएंगे। और इसके अलावा बाइक में देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, अगर आप उन फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए इस बाइक का एक फुल डिटेल रिव्यू वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इस बाइक का मिनिमम डाउन पेमेंट और EMI क्या रहेगी इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप सबसे मैं दोस्तों बोलना चाहूँगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास और इस बाइक का टेस्ट राइड या फिर से परचेज करना चाहते हैं अच्छे ऑफर में, तो आप उत्कल होंडा में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और नए वीडियो आप तक पहुंच सकें।